सोलन के वाकना घाट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उनका यहां पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा वाकना घाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई। इस केंद्र में युवाओं को आईटी से लेकर फूड पार्क, हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस जैसे कई तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ये अर्धवार्षिक से लेकर अलग अलग समय की अवधि के प्रशिक्षण होंगे। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के बाद कंपनियों के साथ अनुबंध कर उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। ये केंद्र कौशल विकास निगम के अधीन चलाया जाएगा। निगम यहाँ पर युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करवाने के लिए अलग से विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी। यहाँ से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करवाने के बाद निगम युवाओं को खुद का कारोबार शुरू करने में भी उनकी मदद करेगा। विद्यार्थी जब तक कि वे आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक निगम उसका पूरा मार्गदर्शन करता रहेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 4 जगह स्वीकृत किए गए हैं। सोलन के वाकना घाट में भी इन्हीं में से एक संस्थान होगा जिसे 85 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि अभी 65 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं, जल्द इसका कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन की बेहद संभावनाएं हैं, लेकिन यहां के युवाओं को पर्यटन चलाने की स्किल में बेहद कमी थी, जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दूर हो सकेगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसका शिलान्यास यहाँ वाकना घाट में किया, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी 85 करोड़ है, लेकिन अभी जो टेंडर इसका हुआ है 65 का हुआ है। और ये पूरे देश भर में अभी तक सिर्फ 4 प्रदेशों को प्राप्त हुए हैं, और उसमें हिमाचल प्रदेश उसमें से एक है। हिमाचल में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है, और उस दृष्टि से हम इस बात को भी चाहते थे कि टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हम जहाँ काम कर रहे हैं उसमें उस सेक्टर में जो प्रशिक्षण के जो हमारे तौर तरीके हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो होने चाहिए, उसकी कमी महसूस कर रहे थे। और हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे लिए खुशी की बात है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो है स्वीकृति होना, और उसके साथ साथ में इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हम यहाँ सोलन के वाकना घाट में शुरू कर रहे हैं, और आज इसका शिलान्यास हुआ है। और हमने ये तय किया क्योंकि प्रीफैब स्ट्रक्चर इसका होगा, और उसमें हमारा टारगेट है कि जून 2022 में इसका हम उद्घाटन करें, और यहाँ देश दुनिया के जो स्टूडेंट्स आएंगे वो सीखें, और सीखने के बाद अपने अपने उसमें काम करें।